नमस्कार दोस्तों, गुरु स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 1 फरवरी 2023 के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। यह करंट अफेयर आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब हम हमारी पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। हमारा प्रश्न था कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 75 रामसर स्थल। तो भारत में रामसर स्थल यानी कि वेटलैंड्स की जो संख्या है ये 75 हो गई है। तो भारत का 75वां रामसर स्थल सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु है। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हमारा प्रश्न है कि बुलर झील कहाँ स्थित है। तो हमारे ऑप्शन है ओडिशा में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें, इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की शुरुआत कहाँ की गई है। इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है ये 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। और इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग और तलवारबाजी को भी शामिल किया गया है। यह 9 शहरों में आयोजित होगा, जिसमें से 8 शहर तो मध्य प्रदेश के हैं और एक शहर है दिल्ली, उसमें साइकिलिंग का जो गेम है वह आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया। तो सही ऑप्शन नंबर बी 29 जनवरी को। तो हाल ही में 29 जनवरी 2023 को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया है और यह दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। यह दिवस कुष्ठ रोग से गुजर चुके लोगों को सराहना देने और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर में पहली बार भारत स्टेक डेवलपर्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में दुनिया भर में भारत के डिजिटल सामानों को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहला भारत स्टेक डेवलपर्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन में उद्योग, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न और शिक्षा जगत के 100 से अधिक डिजिटल प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को किसने संबोधित किया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया और इस बार इसकी थीम सशक्त नारी सशक्त भारत रखी गई है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गोवा सरकार ने। तो हाल ही में 30 जनवरी 2023 को गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया और यह कार्यक्रम 2000 शिक्षकों को उनके संबंधित स्कूलों में बच्चों के लिए बुनियादी दृश्य परीक्षण पर प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए माधवेंद्र सिंह को। तो गुजरात पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने माधवेंद्र सिंह को गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। और गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर देश में अपनी तरह का पहला कमर्शियल मेरीटाइम क्लस्टर है। यह भारत का पहला और एकमात्र समुद्री क्लस्टर है। अगला प्रश्न है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भारत ने। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण भारत ने जीत लिया है और भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर यह टूर्नामेंट अपने नाम किया है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये दुबई में स्थित है और बीसीसीआई का मुख्यालय ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम शुरू हुआ है और इसकी थीम ट्रस्ट रखी गई है।
इसका आयोजन केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर बी, अमृत गार्डन। हाल ही में केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया है, और हाल ही में ही केंद्र सरकार ने दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया था। अमृत गार्डन को एडमिन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश में जल्द ही लाडली बहना योजना की शुरुआत की जाएगी, और इस योजना के तहत पात्र परिवार की बहनों को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, और मध्य प्रदेश में पहले से ही लाडली लक्ष्मी योजना संचालित है। चलिए अब हम हमारी पिछली वीडियो के करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय ने केन बेतवा लिंक समिति की तीसरी बैठक का आयोजन किया है, यह परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने पेटीएम और फोन पे के समान साउंड पोर्ट पे का परीक्षण किया है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए, गूगल पे ने। अगला प्रश्न है, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का 41वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति का निधन हो गया है, यह किस देश के थे? तो इनका संबंध है फ्रांस से। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति का नारंगी चमगादड़ देखा गया? तो ये देखा गया था कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। इंडियन मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान पर है? तो उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कितने साल पुराने दो स्तूपों की खोज की है? तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1200 साल पुराने। ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंटी ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमेजोन। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। किस राज्य ने अपने राज्य भूमि सुधार आयोग का नाम बदलकर राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड किया है? तो ये किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।